Right. देखो, आपको कभी अजीब नहीं लगा कि वी डिवाइड इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई? मैथ सर को बोलोगे ना, सुसाइड कर देंगे। हम जब सेल डिवाइड करता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं, नंबर बढ़ता है, एक से यस दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। तो ऐसा सिर्फ बायो में होता है बेटा कि वी डिवाइड इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? यू सी द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। मैथ्स का यहाँ रेंज भी नहीं लगता। चलिए, एक्चुअली जेजेस पूछेगा आपको क्वेश्चन। केवीपीआई में अगर इंटरव्यू होता, वो आपको पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाई डज ए सेल डिवाइड। चलिए, देख रहे हो कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये सब केवीपीआई क्वेश्चन है ना। न्यूरॉन इज ए लार्ज सेल या स्मॉल सेल? स्मॉल सेल, स्मॉल सेल, न्यूरॉन, न्यूरॉन, लार्ज लार्ज न्यूरॉन, सेल, लार्ज लार्ज सेल, तो बिकॉज लॉन्ग लार्ज एक ही होता है। ओके, लार्ज मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, बट फिर भी तो लार्ज होता है कि नहीं? छोटा सेल थोड़ी होता है न्यूरॉन। अब सोचो कि अभी व्हाट डिड तन्मय टेल दैट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर कम है, लार्ज सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? बोलो, जल्दी बोलो, कम बिकॉज होगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है पढ़ाने का, इसलिए कम मैं बस होगा, कम आपको होगा, गाइड कर रहा हूँ। व्हाट इज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए लार्ज सेल? कम होगा, लेस? ओके, तो अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा तो आदान प्रदान कम होगा, बट खाने वाले ज्यादा होंगे, बिकॉज वॉल्यूम मतलब डिपेंडेंट्स, और सरफेस एरिया कम है का मतलब जो आना है, जो जाना है वो कम होगा। जैसे ट्रेन में लैट्रिन जाना आपको अच्छा लगता है, जागृति? नो सर। नो। तो अगर ट्रेन में लैट्रिन जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप लंच डिनर करेंगे कि नहीं सफर में? यस सर। करेगी। तो नृतनम प्रविश्यति पूर्णम बहिर्गति। तो अब बहिर्गति कहाँ करेगी बताओ? जब आपको ट्रेन में टटियाना अच्छा नहीं लगता तो हाउ विल यू डू? करोगे ना नहीं करोगे? तो करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं? आई आई डोंट वांट पड़ेगा, आई वांट आस्क, करोगे ना नहीं करोगे? यू कुड हैव अवॉइडेड ना। हाउ कुड वी हैव अवॉइडेड टटियाना? बाय बोलो। ईटिंग लेस। बाय नॉट ईटिंग। अबे, लेस ईटिंग तो लेस टट्टी, मोर ईटिंग तो मोर टट्टी। तो अगर आपको टट्टी जाना ही नहीं है तो फिर आप मत खाओ। एक दिन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे, अंडरस्टैंड? तो सेम हाल है। तो आप अगर सरफेस एरिया कम है तो आएगा जाएगा कम, बिकॉज एंट्री एग्जिट विल बी लेस ना, बट वॉल्यूम मोर है मतलब डिपेंडेंट इज मोर। तो इसीलिए ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा ना घटाएगा? घटाएगा, घटाएगा, कितना देगा? कम करेगा। घटाएगा। सपोज आपको मालूम है मुझे दिन में एक ही रोटी खाना है, अब आप सोचो कि वो ब्रेकफास्ट में खाओगे ना डिनर में खाओगे? सोचिए। तो ब्रेकफास्ट सर, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इफ देयर इज ओन, देख रहे हो ना, यू डोंट यूज योर ब्लडी हेड। ये जो दही दिया है भगवान डिनर। ना, आप लोग का अनयूज्ड ब्रेन से इसको बेचोगे ना तो बहुत रेट मिलेगा। खाओ ब्रेकफास्ट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोओगे कैसा बेटा, जब भूखे पेट नींद नहीं आयो? समझ रहे हो? तो दिस इज अप टू यू टू डिसाइड कि भाई एक ही रोटी मिलना है आपको दिन में तो आपको कब खाना है। आप ब्रेकफास्ट कर लो या लंच कर लो या टिफिन कर लो, डिनर कर लो, दैट इज योर कॉल, बट यू विल गेट ओनली वन रोटी। बट जिसको रोटी का टेंशन नहीं है, जैसे हमारा प्रीतम शरण पंडा खाता पीता घर वाला लग रहा है, तो अगर आपके पास रोटियों की कमी नहीं है
तो आप कितने मील खाएंगे? पराठा पराठा, रोटी तो चलो वैसे भी कोई नहीं खाएगा, तो आलू का पराठा, वो भी भरा भरा आलू, तो आप कितने यू लीट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज कोई कमी नहीं है, भूख लगे ना लगे हम खाएंगे। मम्मी ने बढ़िया पराठा बनाया। बट व्हाट हैपेंस इफ यू हैव क्या, अगर आपको एक ही रोटी मिलना है तो अब आप क्या करोगे? आप उसको नहीं खाएंगे, तो इसलिए मेटाबॉलिक रेट, अब नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल्स क्या तुम्हारे बाबा के नौकर हैं कि काम करेंगे? वो भी सो जाएंगे, सुस्त आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो जनरली जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगा, इसीलिए लार्जर एनिमल्स हैव लार्जर सेल्स, तो इफ लार्जर सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेस। तो हाथी का सेल्स आर लार्जर एज कंपेयर टू माउस, इसलिए माउस का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा, हाथी का मेटाबॉलिक रेट कम। अंडरस्टूड? चलिए अब अगर आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, मतलब आपको एक ही रोटी मिलना है, तो आप खेल कूद करेंगे, मैंने वो क्या ना खाएंगे पिएंगे गाएंगे नाचेंगे करेंगे और क्या? नो सर। क्या बोलती तू? हाथी का अंडा ला, ओके ना, हाथी का अंडा लाओ, खाओ पियो ऐश करो और क्या। तो बट प्रॉब्लम क्या है, एक ही रोटी मिलेगा तो एनर्जी खत्म भी तो हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग एंजॉय करेंगे ना, पढ़ेंगे या सोएंगे। आप तो ओलंपिक चल रहा है, अभी ओलंपिक चल रहा है, आराम से लेट लेट के देखो। डू अंडरस्टैंड? तो जस्ट लाइक दैट। बट इंडिया का सपोर्ट नहीं करना, नहीं तो गुस्सा हो गया तो एनर्जी खर्च होगा। अभी मेरा कल के हाल क्या हो रहा है, कल 6 गोल खा गया इंडिया, उधर गरिमा को 7 झांपड़ पड़ गया बिकॉज शी वॉज वॉचिंग मोबाइल। तो इसलिए मार क्यों पड़ा, नॉट बिकॉज की वो मोबाइल देख रही है, वो तो वैसे ही हर दिन देखती है, बट वो इंडिया को क्यों 6 गोल पड़ा, उसके चक्कर में इसका पड़ गया व्हाट। तो डू अंडरस्टैंड? बता मानने कौन, अगर आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगा तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो मिल नहीं रहा, तो इसीलिए दो सेल्स विल बी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, समझ रहे हो? तो व्हेन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज लेस, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स होंगे। अब आप सोचिए, तो न्यूरॉन इज ए लार्ज सेल, तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, लेस ना मोर? बोलो। लेस होगा। लॉजिक क्या कहता है, लेस होगा। मतलब अब अनन्या को एक झापड़ मार दूंगा मैं, कल वो केमिस्ट्री सर के क्लास में रोएगी, तो जब केमिस्ट्री सर के क्लास में रोई तो मारा तो केमिस्ट्री सर ने, मैंने थोड़ी मारा। अरे मैं मारता तो मेरे क्लास में रोती, बट मुझे मालूम है ये मोटी छोटी है तो इसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, कम होगा। जागृति को मैं क्यों नहीं मारता, वो तो मेरी ऑपोनेंट है, बट उसको मार देंगे तो उसको पहले ही पता, हाथ दिखाते उसको दर्द होने लगेगा, मेटाबॉलिक दर्द ज्यादा है, हाई मेटाबॉलिज्म वाली है। बट अनन्या गोल सोल है तो उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो, इसलिए जितने मोटे हैं वो मेरे क्लास में ज्यादा मार खाते हैं, क्योंकि ना उनको पता अगले क्लास में चलता है तो मैं बच जाता हूँ ना। अब आप किसने मारा है बोलोगे, निशिकांत सर ने, ओके मैं थोड़ी मारा। भाई निशिकांत सर के क्लास में रोगे तो किसने मारा, निशिकांत सर ने, तो इसलिए वो फंसेंगे, मेरा क्या जाता है। तो अंडरस्टैंड? तो कैन यू अफोर्ड योर न्यूरॉन्स बीइंग मेटाबॉलिकली लो? नो सर। तो फिर क्या किया जाए बताइए, सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा उनका। कैसे बढ़ाएंगे भैया, वो तो लार्ज सेल है, सरफेस एरिया इंक्रीज करके कैसे करेंगे? न्यूरॉन्स को बंडल्स में रख के। शट अप। हाउ टू इंक्रीज सरफेस एरिया जागृति? ब्रांचिंग न्यूरॉन करता नहीं है। अब समझ में आया कि इतना सारा डेंड्राइट क्यों होता है, समझ रहे हो? Yes, आप देखिए, व्हाट इज द फन ऑफ जेजेस न्यूरॉन
एंड व्हाट इज द फन ऑफ योर न्यूरॉन, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। भगवान की दया से अगर यार बोर्ड तो मैंने लगाया ही नहीं। चलो लेट अस सी, अगर आई हैव नॉट फिक्स्ड द बोर्ड फिर भी आई विल ट्राई। अब सी हियर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग को कैसे न्यूरॉन बनाते थे आप लोग, ऐसे सेल बॉडी बनाएंगे स्टार जैसा, है कि नहीं, एंड ऐसे ऐसे धागा बनाते थे, ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे ही बनाए हो कि नहीं? यस सर, यस सर, यस। तो ये धागा क्या बोल रहा है आपको कि ये आपका ब्रांच है, फाइन। दिस इज व्हाट इज अदर्स न्यूरॉन। व्हाट इज जेजेस न्यूरॉन, तो जेजेस कैसे न्यूरॉन बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। प्लीज माइंड माय डायग्राम, आई एम डूइंग विद माउस टुडे, आई हैव नो पेन। आप देखिए हाउ टू एक्चुअली हाउ ए डेंड्राइट लुक्स लाइक, ओके, किसका न्यूरॉन लॉजिकली करेक्ट है? आपका ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो नहीं, हु इज टेलिंग यू कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मेरा डायग्राम ना वो वाला पाल, आपका डायग्राम, मेरा डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम क्या बताता है कि न्यूरॉन के ऐसे हेयर्स हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए नो जेजेस नो साइंस रे बाबा, ये याद रखेंगे। तो आप समझ में आया? तो इसीलिए अब बिकॉज जो अब जैसे एक बच्चा है, अभी जागृति को हम खटिया से गिरा देंगे तो तेरे को दर्द होगा कि नहीं? यस क्या देने से तू मान जाएगी बोल, चॉकलेट देने से या क्या देने से तू सुनेगी कुछ देने? चलो तू तो सुक्कड़ है, तेरे को तो दर्द भी नहीं होगा, इसको गिरा देते अनन्या को, अनन्या को बिस्तर से गिरा देंगे तो उसे ज्यादा दर्द होगा, वो भारी लड़की है। तो इसलिए कुछ देने से, चॉकलेट वॉकलेट खाने से आपका दर्द रुक जाएगा क्या? नो सर। नहीं तो आप रोते रहोगे, बट एक छोटा बच्चा जो है वो बिस्तर से गिरने से भी रोता है, तो अनन्या भी रोई थी, बट उसको उसका मम्मी दूध पिला देती है या कुछ चॉकलेट दे देती है या कुछ खिलौना दे देती है तो वो चुप हो जाती है, बट जो मर्जी देने से अनन्या चुप नहीं हो रही है। क्यों बोलो तो? क्योंकि उसका न्यूरॉन ऐसा है, क्या नहीं है उसमें? डेंड्राइट्स, प्रोसेसेस, समझ रहे हो? इसलिए डेंड्राइट्स जो है वो जन्म से न्यूरॉन में नहीं आते हैं, ओके? अब जागृति जो है उसको उसकी माँ लाडों से पाली है, तो उसको बिल्कुल कुछ भी दर्द नहीं होने दिया। उसकी जो आइडेंटिकल ट्विन मेला में बिछड़ गई थी वो जंगल में पली है, एंड वो प्लैनेट ऑफ एप्स की हीरोइन है, तो अब वो जंगली हो गई है, वो क्या बन गई, वो टार्जनी, मिसेस मिस टार्जन। तो अब किसका भेजा ज्यादा चलेगा बोलो? जो जंगल में, तो जागृति का ना, जंगल वाली का, बोलो वाई? बिकॉज जो जंगल वाली है उसको हजार तरह का स्ट्रेस होगा, एंड उस स्ट्रेस का वो सोल्यूशन ढूंढेगी। तो जितना बार आप सोल्यूशन ढूंढोगे एक ब्रांच नया बन जाएगा। अब आपके क्लास में एक लड़का है युवराज सिंह, जानते हो कि नहीं? युवराज सिंह को जानते हो? तुम्हारे ही क्लास में है। यस सर, अव्वल दर्जे का छात्रा है, एक दर्जे का बदतमीज, बट उसका जो है हर किसी से लिंक है। मैंने बोला युवराज यार थोड़ा सिलेंडर पहुंचा दे यार घर में, कोई लिंक है तो बता, बोला हाँ सर आज ही पहुंच जाएगा डोटोरी। मैंने बोला यार कुछ लड़कियां जुगाड़ कर यार किसी को भेजना है, हाँ सर हो जाएगा आप टेंशन मत लो। मैंने बोला यार 30-40 गुंडे भेज यार इस किसी को पीटना है, बोला हाँ सर हो जाएगा। उस वो साला कभी मना ही नहीं करता, एरोप्लेन का टिकट बना दे हो जाएगा,
आलू प्याज ले आए हो जाएगा, मैंने उसका हर जगह लिंक है। एट जागृति क्या 20 लड़कियां दे सकते हो मुझे? नो सर। मेरे लिए सिलेंडर ला सकते हो? कोई पहचान उचान है? यस सर, सिलेंडर ला सकते। हाँ चलो वेरी गुड। और मेरे लिए गुंडे लगवा सकते हो? नो सर। अच्छा तो मेरे लिए लाइन में खड़े होके ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट बना सकते हो? सच बोलो, बटरिंग नहीं? नो सर। बोलो नहीं तो किसका फोन नंबर मेरे मोबाइल में रहेगा? युवराज का। ओके, बिकॉज वो ऑल पर्पस मैन है, उसका कुछ मर्जी करो। तो क्यों ऐसा वो ऑल पर्पस का बना? क्योंकि वो अकेला पलपा, उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो सड़क में अकेला मिला था, तो ऐसे वो उसमें जो सरवाइव किया, तो ही हैज लिंक विद एवरीबॉडी। व्यवहार उसका अच्छा था, इसलिए जिससे मैं मदद मांगा उनने मदद किया। इस तरह से एक बढ़िया सा उसका लिंक कवरेज है। डू अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए डेंड्राइट्स कब बनेंगे? जब उसे किसी से कनेक्शन करना पड़ेगा। क्यों कनेक्शन करना पड़ेगा? कोई मदद चाहिए। तो अब मुझे गैस वाले से मदद चाहिए, अब मुझे लड़की वाले से मदद चाहिए, होटल वाले से मदद चाहिए, गुंडों से मदद चाहिए, टिकट वालों से मदद चाहिए, एरोप्लेन वाले से मदद चाहिए। देख रहे हो? तो आई विल डेवलप रिलेशनशिप्स। सो नाउ इसीलिए जो जितना ज्यादा एक्सपोज्ड है वो उतना क्या। अभी जैसे एक छोटे से बच्चे को लायन के पास खड़ा कर दो। ओके, मैंने जागृति और कुहू इज माय यंग डॉटर, मेरे ब्रदर की बेटी है, अभी 2 साल की है। तो जब मैं दोनों को लायन के पास खड़ा किया, तो व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ जागृति? शी विल बी अफ्रेड। तो अफ्रेड सर के बल भागेगी। बोलो सर के बल भागेगी। तू क्या करेगी? वो लायन का दांत गिनेगी, उसका विस्कर खींचेगी। क्यों? Because she is strong. She is strong or she is ignorant. She is ignorant. मालूम ही नहीं कि लायन एक टॉय नहीं है। उसे क्या लगा? जैसे मेरे बड़े पापा के पास कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, मछलियां हैं, बर्ड्स हैं, ओके, वैसे एक और ये बड़ा कुत्ता पाल लिया, है कि नहीं? बट वो जंगल का राजा है, उसको थोड़ी मालूम है। अंडरस्टैंड? तो डू अंडरस्टैंड और नॉट? तो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो अब आया समझ? तो इस तरह का केवीपी लेक्चर आएगा रे बाबा आप लोगों का। चलिए एक और क्वेश्चन बोलिए। एक बेबी मैंगो का, ओके, एक बेबी मैंगो का जो वॉल्यूम है 1 क्यूब है, ठीक है? आप जानते हो वॉल्यूम इज 1 क्यूब। तो सपोज वो उसका जो एक साइड है वो 3 गुना बढ़ता है, तो व्हाट विल बी द राइज इन 4 इयर्स? तो व्हाट विल बी द राइज इन वॉल्यूम इन 4 इयर्स? 8 टाइम्स। वेरी सिंपल, इधर इसलिए ज्यादा भेजा नहीं लगाना है। ओके, आपको क्या लगाना है बोलिए? आपका ए क्यूब है, अब ये क्या बन जाएगा? 3a³। समझ रहे हो? क्यों? अरे वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच बढ़ेगा, तो इसलिए ये 3 क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27 टाइम। आप आंसर रट लिए हो बट क्वेश्चन याद नहीं है, क्योंकि बुक में वहां 2 टाइम्स लिखा था, इसलिए वो 8 टाइम हुआ। समझ आया? तो मैंने उसको चेंज करके 3 कर दिया, इसलिए अब वो 27 टाइम होगा। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, ये सिंपल एक कंसेप्ट है वॉल्यूम। तो इस तरह से आपके केवीपीआई में क्वेश्चंस आएंगे थॉट बेस्ड। अंडरस्टूड? तो इसलिए व्हाई ए न्यूरॉन हैज डेवलप्ड दैट यूनिक शेप, बताइए आप उसको जस्टिफाई करिए। क्यों न्यूरॉन ने ऐसा यूनिक शेप बनाया? बोलो।
to increase the surface area. Surface area बढ़ाने के लिए. Yes, to increase the surface area. उससे क्या होगा? To increase its नहीं, to increase its reactivity. भाई neuron cannot be slow. Neuron has to be very 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 fast. Okay? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाना है बढ़ा लो. डू वी अंडरस्टैंड? यस सर. देख रहे हो, तो ये है आपका केवीपीआई लॉजिक. चलिए, इसलिए पढ़ेंगे आप लोग ये सब, तो ऑलवेज याद रखेंगे. दे आर वेरी वेरी गुड टॉपिक्स. तो केवीपीआई एनसीईआरटी क्लास 10 से आएगा ऐसा लोग बोलेंगे आपको, बट वैसा होता नहीं है. एंड मैंने आपको शायद कुछ केवीपीआई प्रैक्टिस पेपर्स भी भेज दिया है. मदद तो मैं कर दूंगा, बट पढ़ा तो मैं नहीं सकता ना, आप लोग तो मना करते हो. चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर बर्ड्स. ओके, हम लोग बर्ड्स पे चलते हैं. हाँ बोलो. चलो मैं पर खाई दी. माइक बंद कर. चलिए, फाइन. इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? यस सर. यस सर. चलिए, ओके. सो अब हम लोग बर्ड्स बाय जेसीआरटी पढ़ेंगे. सो ये आप देखिए, दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बर्ड. ओके, एंड दीज आर यूनिक डायग्राम्स कर्टसी जेसीआरटी. तो आप देख रहे हो कि उसमें ये है क्रॉप, देखा कि नहीं? तो ये क्रॉप है. फाइन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें? क्रॉप होता है, क्यों होता है क्रॉप? बोलिए. फ्रिज के लिए. टू स्टोरेज ऑफ फूड बिफोर ग्राइंडिंग. फिर होता है गिजार्ड. ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस रिलेटेड. लंग्स विद एयर सैक, ये सब एयर सैक्स हैं एक्चुअली. सो ये एयर सैक है छोटा छोटा, एंड ये क्लोआका होता है. ठीक है जी. सो लाइक दैट. तो इसलिए बाकी सब तो नॉट सो इम्पोर्टेंट. ये देखो, स्टर्नम विथ लॉन्ग की. ओके, चलिए. तो मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा आज. एक और फोटो खोल देते हैं जो आपको दिखाएंगे, जो बर्ड का स्केलेटन. ओके, बर्ड का स्केलेटन मालूम है कि नहीं? नो सर. उसमें यूनिक चीज क्या है? न्यूमैटिक बोन्स. बस आपका न्यूमैटिक में ही सारा मटिया पलित हो गया. ओके, बस बोन को न्यूमैटिक कर दिया तो बर्ड का काम हो गया ना. चलिए, तो बर्ड ऐसा नहीं बनता बेटा, और भी बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं. सी, अगर उड़ना होता तो मैं उड़ना चाहता. तो भाई मेरा भी सपना है कि मैं उड़ू. तो कैन आई फ्लाई? नो सर. अला महाबदतमीज हो यार तुम लोग. हैं सर, मुंह पे बोल देते हो. तुमको डर भाया नहीं है कि जेजेस को मना कर रहे हो? आपको मालूम है जेजेस को मना करने का मतलब क्या होता है? उन्होंने ये तो की करी चीज. तुझे अपने प्राणों का कोई भय नहीं है? है. व्हाई जेजेस कैनॉट फ्लाई, इडियट? तुमने इतना बड़ा गुस्ताखी कैसे कर दिया? सर, एडाप्टेशंस चाहिए ना तुम के लिए. व्हाई आई कैनॉट फ्लाई यू जस्ट? विंग्स नहीं है. चलो, तो मैं विंग्स लगा देता, तू बोली क्यों नहीं? चलिए, और कारण बताइए. सर, न्यूमेटिक बोन्स नहीं है. न्यूमेटिक बोन्स नहीं है. तो चलो, उसका तो कुछ तो एरोप्लेन में न्यूमेटिक बोन होता है? नहीं सर. आप कितने प्यार से बोल रहे हो ना, बट मेन चीज बोले ही नहीं कि सर आप मोटू हो. मन किया था कि नहीं बोलने का? वो कैसे बोलते? हाँ, तो इसलिए तो मरने से बचने के चक्कर में वाट लग गया तेरा. बट प्लीज रिमेम्बर भाई, एरोप्लेन भी तो मेरे से, क्या मैं एरोप्लेन से भारी हूँ? बताइए. नो सर. तो सर, एरोप्लेन उड़ सकता है तो जेजेस क्या नहीं उड़ सकता? तुम्हारा में पॉजिटिव लॉजिक ही नहीं है, तुम्हारा में पॉजिटिविटी ही नहीं है. हाउ विल यू विन? तो इन ऑर्डर टू विन यू शुड बी मेंटली पॉजिटिव. डायनामिक शेप. जिंदगी में जजेस को नो नहीं करना है.
तुम्हारा भेजा जा ठीक है कि नहीं, तो मेरे को मना करता है। नेवर से नो टू योर ट्रेनर, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेनिंग, समझ रहे हो? फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेनिंग क्या है? हर कोई एक पिक्चर देखेगा, ओके, मिलियन डॉलर बेबी। तो मिलियन डॉलर बेबी इज ए फिल्म ऑफ ए लेडी बॉक्सर हु वांटेड टू बी ट्रेन्ड बाय द बेस्ट कोच, बट द बेस्ट कोच था, ही यूज्ड टू टीच बेस्ट मेल बॉक्सर, वो क्या लड़कियों को सिखाएगा? उसने मना कर दिया, भैया मैं नहीं सिखाता लड़कियों को। बट ये लड़की पीछे ही पड़े रहे, पीछे 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 पीछे, सर प्लीज सिखा दो, सर प्लीज सिखा दो। तो बट दिस टीचर इग्नोर्ड हर, अरे यार इसका तो काम ही है यार, छोड़ो। तो फिर क्या होता है, जिस मेल बॉक्सर को वो ट्रेन कर रहा होता है उसको ट्रेन करके रेडी कर देता है, अपने लॉजिक्स लगा के उसको बेस्ट बना देता है। फिर उसको दूसरा एक अमीर ट्रेनर खरीद लेता है कि देखो मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को अमीर कर दूंगा, मैं तेरे को कार दे दूंगा। तो उसको ललचा के ले लिया एंड ही वॉज पूरा शॉक, अरे यार इतना मेहनत से मैंने बनाया साला, मेरे को छोड़ के भाग गया ठीक टाइम पे। तो फिर उसका एक दोस्त था जो ट्रेनर का, तो उसने बोला देख तू जिसके पीछे पड़ा वो तो लात मार के चला गया, बट एक लड़की जो तेरे पीछे पड़ी है तू भी तो उसको लात मार रहा है ना, तो तुम और उस तेरे स्टूडेंट में फर्क क्या है? तो उसको बहुत बुरा लगा, चला मेरा दोस्त होकर मेरा अपमान कर रहा है। फिर उसने बोला ठीक है मैं तेरे को सिखाऊंगा, बट सिर्फ दो शर्त है मेरी। पॉइंट नंबर वन, यू विल डू वॉट एवर आई आस्क टू डू, एंड पॉइंट नंबर टू, यू विल नेवर से नो। तो समझ रहे हो माता श्रीओं, एवरी ट्रेनिंग का यही दो रूल होता है, ओके? तो ज्यादा भेजा लगाओगे तो फायदा कुछ नहीं है। आर्मी में दे डोंट टेक इंटेलिजेंट पीपल, यू नो व्हाई यू टेल? अभी भृतिदेव को बोलूंगा भृतिदेव इसको गोली मार दे, तो मारेगा कि नहीं? एक लड़की खड़ी है मैं उसको बोल रहा हूं गोली मार, तो नहीं मारेगा, अपना अकल लगाएगा। एंड आर्मी में नो करने का मतलब क्या होता है मालूम है? जिंदगी भर भीख मांगोगे, कोर्ट मार्शल कर दिए जाओगे। तो इन आर्मी यू कैनॉट से नो, एंड दैट इज वाई दे डोंट टेक पीपल हु हैव ब्रेन्स। क्यों? फिर वो अपना सोचेंगे, दे विल नॉट ओबे ऑर्डर्स। एंड भाई ऑब्वियसली किसी को मारना तो बुरा लगेगा ना, तुम उसको नहीं मारोगे, वो बंद वो लड़की पीछे से गन लेकर तेरे को मार देगी, बिकॉज वो जो ऑफिसर तेरा बोल रहा है उसको मारने के लिए, वैसा कितना लाइफ में उन्होंने लड़की देखा होगा जो दिखते हैं तो बहुत कमसिन माने इनोसेंट, बट अंदर गन लेके घूमते। तो इसीलिए उसने बोला था, बट तू ज्यादा अक्कल लगाया, ओके? सो जस्ट लाइक दैट सेम थिंग, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ पास्ट, he knows that these children are also terrorists, okay? तो like that, चलिए तो समझ में आया ट्रेनिंग का मतलब है। तो इसलिए जिंदगी में जे जे को नो बोलना नहीं होता है। देख रहे हो कितना महापाप कर दिया तुमने, तुम मेरे से ही चाहते हो और फिर बोलते हो कि यू कैनॉट फ्लाई, हैं बदतमीजो। तो आपको बोलना चाहिए सर वो यू कैन इजिली फ्लाई, बट प्लीज लूज 100-150 केजीस एंड थोड़े 2 किलोमीटर लंबे विंग्स बनाओ एंड उसको हिलाने का ताकत लाओ। तो इसको कहते हैं मीठा नो, समझ रहे हो भाई? yes, आपने sir. हाँ बोला कि नहीं, बट यू थ्रो द बॉल टू माई कोर्ट। सर आप उड़ोगे क्यों नहीं उड़ोगे भाई? एरोप्लेन उड़ जाता है, आप बस 100-150 किलो वजन कम करो और थोड़ा 2 किलोमीटर लंबा लंबा विंग्स बनाइए, हल्का मटेरियल का काइटिन जैसा होना चाहिए, एंड उसको हिलाने का अपने बाहों में ताकत लाइए, यू कैन ऑल्सो फ्लाई। तो आया समझ? तो व्हेन पीपल मेड एरोप्लेन, भाई उन्होंने सपने में सोचा था, यू नो नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ ए लार्जेस्ट एरोप्लेन? जो सबसे लार्जेस्ट एरोप्लेन है उसको देखोगे ना, तुम्हें सपने में नहीं आएगा कि वो उड़ सकता है। और उसको उड़ा दिया कि नहीं लोगों ने? सर वो एक कार्गो प्लेन है। हाँ तो बट कैसे उड़ा?
तो अगर भार से उड़ेगा नहीं बोल रहे हो आप, आपने बोला नहीं बट मन में तो वही है, बट मन में तो यही था ना, सर भारी है उड़ेंगे कैसे, बट आपको वो बताना चाहिए था। चलिए तो यू अंडरस्टैंड, सो इसलिए साइंस का मतलब ही है, यू नो साइंस इज नॉट, तुम लोग जो अभी तक पढ़े हो नॉन जेजेस टीचर से, आप हिस्ट्री पढ़े हो, ऐसा होता है 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 ऐसा होता है, आप में कभी दम था ये पूछने के लिए सर ऐसा क्यों होता है, वाई द सन ग्लोज, है कि नहीं, आपको पूछना चाहिए था कि नहीं, सन पीला होता है क्यों, नीला क्यों नहीं होता, तो दैट इज व्हाट इज साइंस। एक दिन मैं और न्यूटन बैठे थे पार्क में, एप्पल गिरा, एप्पल बड़ा टेस्टी एप्पल था, अमेरिकन एप्पल, तो मैंने खा लिया, न्यूटन को बड़ा गुस्सा आया, साला एप्पल मेरे ऊपर मारता है, उसने ऊपर फेंक दिया, फिर आके उसके मुंडी में गिरा, फिर ऊपर फेंक दिया, फिर आके उसके मुंडी में गिरा, उनको बड़ा गुस्सा आया, साला मेरे पे क्यों गिरता है, नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं आता है, एंड ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड ही बिकेम न्यूटन, मैं तुम जैसे गधों को पढ़ाने इधर आ गया, समझ रहे हो, इसलिए साइंस इज बॉर्न इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, इफ यू डोंट नो हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन तो देन हाउ यू साइंस इज बॉर्न। तो व्हाई फिशेस आर स्ट्रीमलाइंड, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसे तैरना है, तो जितना स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा उतना रेजिस्टेंस लेस मोशन होगा, Why their scales are slimy? ताकि फिसले पानी, इस तरह से अगर स्केल एब्जॉर्प्टिव होगा तो क्या होगा, वो पानी को पकड़ेगा, तो दैट इज ए रेजिस्टेंस फोर्स, अंडरस्टैंड, तो इस तरह से, तो लाइक दैट, ओके। तो साइंस में सीओ, साइंस इज मेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ब कॉल्ड सीओ, सीओ का मतलब क्या है, टू नो, नॉट टू घोस, समझ में आया। चलिए तो प्लीज बी जेजे साइंस स्टूडेंट्स, ओके। अब आप समझ में आए कि नहीं कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे वो दूसरा साइंस पसंद ही नहीं है, कि नहीं। अब देखो तुम मेरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, अगर आप इज्जत से मेरा क्लास करोगे ना तो आपको कोई भी चीज पढ़ने घुसने का जरूरत ही नहीं है, मुझे थोड़ी सपने में आया था आज मेरा क्लास है तुम्हारा, बट स्टिल आई कैन टीच यू, वाई, या मुझे थोड़ी सपने में आया था कि मैं आपको केबीपी लेक्चर देने वाला हूँ, फिर भी मैं दिया कि नहीं, तो द रीजन इज इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर लॉजिकल, इफ यू इंड्यूस योर लॉजिक, यू कैन ऑलवेज डिस्कस साइंस, है कि नहीं। तो जैसे चूहा है, उसका पॉइंटेड मुंह क्यों होता है, उसका मुंडी स्फेरिकल होता और एस पॉइंटेड होता, दिक्कत क्या है, समझ रहे हो, क्योंकि अगर मुंडी स्फेरिकल होता तो रेजिस्टेंस टू मोशन होता है कि नहीं, तो उसको ज्यादा पावर लगाना पड़ता, बट सिंस मुंडी पॉइंटेड है तो कहीं भी वो आराम से घुस जाता है, ओके, वो गड्ढे में घुस जाएगा, हिल हिल के गड्ढा बनाएगा, समझ रहे हो, इट विल गो इन एंड एड मोर पावर एंड गो इन, और अगर बड़ा मुंडी होगा तो निकलेगा, घुसेगा ही नहीं, तो जितना पावर दो इतना बड़ा चीज घुसेगा क्या, तो लाइक दैट, सो प्लीज बी लॉजिकल, ओके। साइंस इस तरह से पढ़ो तो कल आप साइंस में जरूर कंट्रीब्यूट करोगे। सी नोबल लॉरेट्स आर नॉट बॉर्न, नोबल लॉरेट्स आर मेड। तुम्हारे जैसे एक छोटी सी लड़की थी रोजेलिन फ्रैंकलिन, शी वॉज द गर्ल हुज वर्क वॉज स्नैच्ड एंड हेल्प वाटसन एंड क्रिक टू गेट नोबल प्राइज। 26-27 साल में उन्होंने जो काम किया उससे वाटसन एंड क्रिक हम पढ़ेंगे, ओके। चलिए सो एंजॉय साइंस, ओके, डोंट रीड हिस्ट्री, साइंस का जो मजा है उसको लो, हर समय बी क्यूरियस। बर्ड्स है, आप बोल रहे हो बर्ड्स जो है उसमें स्टर्नम, ये स्टर्नम होता है तो इसमें लॉन्ग कील है, क्यों? अब आप बोल रहे हो कि मैं आई हैव टू फ्लाई, तो समझ रहे हो कि नहीं, तो आई विल बी यूजिंग माई फोर लिम्स एंड ये हवा को जोर से धक्के लेगा, है कि नहीं, जितना
जोर से धकेलोगे तो क्या होगा, उतना आप उड़ोगे, समझ रहे, उतना ही आप उड़ोगे, है कि नहीं। तो उड़ने के बाद अगर ज्यादा जोर लगे तो वर्टिब्रा टूट जाएगा, टुट जुतड़क करके, नहीं वर्टिब्रा टुट जुतड़क करके तो टूट जाएगा कि नहीं। अगर वर्टिब्रा टूट जाएगा तो मर जाओगे उड़ना तो बाद, हाँ तब एक्चुअली उड़ जाओगे, जो मर गया वो सीधा उड़ जाएगा ना भगवान के पास। तो बट आपको अगर बिना मरे उड़ना है तो वर्टिब्रा को स्ट्रांग करिए, ओके, ऐसे 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 ऐसे। इसलिए उसका जो वर्टिब्रा है वो हेटेरोसिलस होता है, ओके। तो हेटेरोसिलस का मतलब क्या है, ऊपर वाले वर्टिब्रा का नीचे वाला सरफेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नीचे वाला वर्टिब्रा का ऊपर वाला सरफेस, समझ में आया। तो एंड सबका अलग अलग होता है, तो सबका अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या है, जोड़ मजबूत होता है। और एक बार अगर अगर आपका एक ही तरह का वर्टिब्रल जॉइंट्स होगा तो क्या होगा, तोड़ना आसान हो जाएगा। बट उनका क्या है, एवरी वर्टिब्रल सरफेस इज डिफरेंट। सपोज फर्स्ट वर्टिब्रा सेकेंड वर्टिब्रा ले लो, या सेकेंड वन टू थ्री ले लो, तो टू का जो ऊपर वाला सरफेस है उसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री किसका होगा, वन का नीचे वाला, फर्स्ट का नीचे वाला, वन का नीचे वाला सरफेस, ठीक है। एंड टू का नीचे वाला सरफेस किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, थर्ड का ऊपर वाला। तो इसी को हेट्रोसिलस बोलते हैं। आप बुक में देखो लिखा होगा सैडल शेप, तो लोग है ना ऐसे बनाते हैं जैसे सैडल घोड़े का, बड़ी से सैडल तो घोड़े के ऊपर हम सीट रखते हैं। अब इसे जागृति घोड़े पे बैठेगी तो उसके पीठ पे बैठोगे तो फिसलोगे ना, तो एक सैडल हम उसके पीठ पे रखकर उसको बांध देते हैं, तो एटलीस्ट आप उस सीट पे बैठोगे एंड उसके नीचे गद्दी वद्दी होता है तो वो घोड़े को काटता नहीं है, नहीं तो फिर घोड़ा को चिड़चिड़ होगा ना, तो सैडल उसको कहते हैं। अब मेरे घोड़े का सैडल एंड जागृति का घोड़े का सैडल, सपोज आई हैव ए हॉर्स, मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ, जागृति है उसके ऊपर वो चल रही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द बैकबोन ऑफ द हॉर्स। तो जागृति का जो घोड़ा है उसका बैकबोन कम घुसा होगा नीचे क्योंकि उसका वजन कम है, मेरा घोड़े का डीप घुसा होगा क्योंकि वो मेरे को बेचारा बिठा बिठा के आ रहा है, समझ रहे हो। अब मैं जागृति के घर गया, मैंने बोला चल घोड़ा चलाते हैं, तो मैंने अपना सैडल लेके उसके घोड़े के पीठ पे डाला, तो क्या उसके घोड़े को मजा आएगा ना काटेगा, दर्द काटेगा, क्यों क्यों, बिकॉज उस नहीं, जितनी मेरा सीट जितना डीप गड्ढा है उतना उसका हड्डी गड्ढा नहीं हुआ। अगर जागृति अपना सैडल मेरे गड्ढे में मेरे घोड़े में डालेगी तो उसे अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा, उसको भी बुरा लगेगा, क्यों, क्योंकि जागृति का सैडल घुसा ही नहीं है, बुझ लो कि नहीं, किंतु मेरे घोड़े का पीठ ज्यादा घुसा हुआ है ना, तो सही पे जागृति का सैडल इज फ्लैट, तो मेरे घोड़े का जो पीठ है वो ज्यादा डेप्थ है तो वो फंसेगा नहीं, तो जब फंसेगा नहीं तो हिलेगा, हिलेगा तो स्क्रैच करेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए सैडल का मतलब क्या है, मेरा घोड़े का सैडल मेरे घोड़े में, तुम्हारे घोड़े का सैडल तुम्हारे घोड़े, अंडरस्टैंड। तो अगर मुझे जागृति का घोड़ा चलाना है तो मुझे उसके सैडल में बैठना पड़ेगा, मेरे सैडल में नहीं, क्योंकि मेरा सैडल उसके घोड़े को काटेगा, उसका सैडल मेरे घोड़े को काटेगा, डू यू अंडरस्टैंड। तो दैट इज द कंसेप्ट, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा होता है, आप देखोगे वहां लिखा होगा सिर्फ सैडल शेप। तो लोग समझते नहीं सैडल का मतलब क्या होता है, सैडल मतलब पर्सनल, जिसका उसका, डू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जैसे सपोज आप कार, आपका जो कार है वो आपके एस के अनुसार सेट हो गया होगा उसका सीट,
तो इसे तुम जैसे बैठोगे आराम से चला के जाओगे। अब सपोज मैं जागृति के कार में बैठ गया तो मेरे को बड़ा काटे, जागृति मेरे कार में बैठेगी तो घुस जाएगी पता नहीं कहाँ, क्यों, मेरा में ज्यादा डीप होगा, उसका शैलो है, तो दोनों को ही अनकंफर्टेबल लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसी को सैडल शेप कहते हैं। तो जब हेट्रोसिलस वर्टिब्रा होगा तो जोड़ मजबूत होगा, जोड़ मजबूत होने से टूटेगा नहीं, क्योंकि जो उड़ता है काफी फ्लेक्शन चाहिए होता है। अंडरस्टूड? उसी तरह से अब जो मसल्स है, जो चेस्ट मसल, वो स्ट्रांग होने चाहिए ना, वीक स्ट्रांग होने चाहिए। आप सपोज तनिष्का जो है, तनिष्का के घर में एक तो सूता लगाई है कपड़ा सुखाने के लिए, एक डीडा छोटो कांटा ठोकी देगी सूता डबान देगी, इसका तो हड्डी है, स्केलेटन का दूसरा नाम है तनिष्का एंड जागृति, तो इसलिए उनका जो और कपड़ा, आजकल कपड़ा वो क्या, लड़कियों का ड्रेस क्या होता है, वो सलवार सूट होता है, उसमें वजन ही नहीं होता ना, तो आराम से सूख रहा है। आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या घुस गया दिमाग में, औखा पहनने लगे हैं, बोरा बोरा जीन्स। अब जीन्स जब उसने डाला जाएगा, तनिष्का ने अपने पैंट वाला, उधर वो टूट गया, क्यों गिर गया उसका धागा, वो जीन्स का वेट उठाने के लिए स्ट्रांग नहीं था, अभी तक तो वो नॉर्मली टी शर्ट सलवार कुर्ता ये सब सुखाती थी, अब इतना मोटा जीन्स डाल देगी तो थोड़ी रहेगा, तो अब जीन्स सुखाना है तो मोटा कीला ठोको। तो इसीलिए जो आपका बर्ड होता है उसको जब उसका फ्लाइट मसल स्ट्रांग होगा, तो प्लीज लुक एट दिस पार्ट, सो दिस इज द स्टर्नम, तो ये देख रहे हो, इसको कील कहते हैं, ये लंबा सा कील होगा। एक्चुअली ये क्या है, ये चिकन का है, इसलिए छोटा स्टर्नम है, क्यों बोलो, चिकन फ्लाइट लेस होता है, बट अगर आप फ्लाइट बर्ड का देखोगे ना, और लंबा कील होगा। तो इस कील का फायदा क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कील, टू अटैच द मसल्स ऑफ द चेस्ट, तो चेस्ट मसल को अटैच करने के लिए लंबा कील होता है, अंडरस्टूड, तो इसलिए वो उड़ सकता है, प्लस उसका कमर बहुत लचकेगा, ओके, इसलिए वहां सारे हड्डियों को फ्यूज करना पड़ेगा। ये तो आप इस जन्म में पढ़ नहीं पाओगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको सिन सैक्रम बोलते हैं, देख रहे हो, ये सारे सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज हो गए हैं, ओके, दिस ब्लू वंस, दे आर, देखो ये सैक्रल वर्टिब्रा है, ये लुम्बर वर्टिब्रा है, ये थोरासिक वर्टिब्रा है, सारे के सारे फ्यूज हो गए हैं, एंड ये उसका पेल्विक गर्डल है, ओके, दैट इज कॉल्ड इनोमिनेट बोन, तो वो, तो ऑल दीज बोन्स आर जॉइंट, क्यों, ताकि जो लचक कमर पे गिरे वो कमर को तोड़े ना। तो जब आप चिकन खाते हो ना, ये बढ़िया टेस्टी पीस होता है, ये अगर आपका आएगा तो उसमें आपको वर्टिब्रा भी मिल जाता है चबा के खाने के लिए, उसका जो पेल्विक गर्डल भी मिल जाता है, वो भी सॉफ्ट बोन होता है, एंड उसमें बढ़िया सॉफ्ट मीट होता है खाने के लिए, तो इट्स अ वेरी टेस्टी पीस टू ईट ऑल्सो, तो इसलिए देख रहे हो, तो इन ऑर्डर टू फ्लाई उसने क्या किया, बहुत सारे चेंज अपने स्केलेटन में लाया, क्या किया, वर्टिब्रा को हेट्रोसिलस बनाया, पॉइंट नंबर टू, स्टर्नम में लंबा कील लाया, पॉइंट नंबर थ्री, बहुत सारे बोन्स को जोड़ा, सो दैट इज कॉल्ड सिंसेक्रम, एंड सारे टेल बोन्स भी फ्यूज हो गए हैं, एंड वो क्या बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पाइगोस्टाइल, PYGOSTYLE, तो पाइगोस्टाइल क्या करता है, रडर जैसा काम करता है। अगर आप किसी बर्ड को उड़ते हुए देखोगे, देखोगे उसका पूंछ है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा कब करता है, जब उसको डायरेक्शन बदलना होता है, तो डायरेक्शन बदलने में कौन सा चीज मदद करता है, रडर, दैट इज कॉल्ड रडर, ठीक है, तो ये जो रडर उसको बदलने में मदद करता है, उस वो रडर का जो बाल है, जो फेदर्स हैं, उसको कहाँ लगाया है, ऑन द पाइगोस्टाइल, अंडरस्टूड, तो ये आपका कुछ यूनिकनेस है, यस ऑब्वियसली
उसके बोन्स न्यूमैटिक होते हैं, उसमें एयर कैविटीज होगा जिससे कि बोन हल्का होता है, इसलिए वो उसको बायंसी देता है। अगर एक चिड़िया का चूजा ले लोगे, टेक ए चिकन बेबी एंड थ्रो इट फ्रॉम 100 stories, ओके, जब वो नीचे गिरेगा ना वो मरेगा नहीं, क्यों, उसका वजन काफी हल्का है। बट अगर हम में से कोई गिर गया तो हम लोग नीचे तो आएंगे नहीं, हम ऊपर जाते हैं, तो ये एक स्पेशल रूल है एक्चुअली। अगर आप 100 मालिक से नीचे कूदोगे यू विल गो अप, ये न्यू रूल ऑफ ग्रेविटेशन है बाय जेजेस, आप तो जानते ही हो। चलिए तो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर ट्रैक। तो देखा कितना चीज आपको बता दिया मैंने। चलिए तो कल हम लोग बारब्यूल्स का डिस्कशन कर रहे थे, वो भी आज आपको दिखा देता हूँ। देखो कि मैंने जो मैंने मेहनत किया उससे कितना मजा आता है। ये देख रहे हो, दीज आर द फेदर्स मैग्निफिकेशन, एंड ये देख रहे हो जो बाल, पतले पतले बाल हैं, उनको बारब्यूल्स बोला जाता है। एंड ये जो उसका जो इमेजिन करिए, ये एक लीफ है आपका, जो कौन सा लीफ, कंपाउंड लीफ, तो उसका जो मिड रिब है वो है बार्ब, एंड जो लीव्स हैं वो है बारब्यूल। आप इस तरह से एनालोजाइज कर सकते हैं, ओके। चलिए एक और भी फोटो में दिखा देता हूँ, अनदर फोटोग्राफ आई विल शो यू, वो इसमें है एक्चुअली। मैं बहुत बहुत मैं आई हैव यस्टरडे आई स्कैन अराउंड 500 pages, ठीक है। इसको छोटा करके दे, घूमना पड़ेगा, बहुत सारा पेज है। ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नाउ इसको देख रहे हो, विजिबल? यस सर। तो ये yes, आपका फेदर yes. बनता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये उसका कैलामस है, ओके। एंड जब बच्चा था उसमें बार्ब्स निकले, ये बेबी फेदर है, उसमें बार्ब्स हैं। एंड अब बार्ब में ब्रांचिंग होकर क्या बनेगा, बारब्यूल्स। एंड ये बारब्यूल्स इंटरलॉकिंग में होता है, तो आपका एक कॉन्टिन्यूस सरफेस बनता है। तो उड़ने के बाद वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, उसको रीअलाइन करना पड़ता है। नाउ वो पूरा जो पत्ता है उसको वेन बोलते हैं, दिस होल थिंग इज कॉल्ड ए वेन। एंड उसका जो बीच वाला डंडा को कहते हैं राक्षस, ठीक है जी। तो ये उसका कंसेप्ट है। अब यहाँ देखिए ये फोटोग्राफ, तो व्हाट इज टेरिले, रीजन विथ फेदर्स। तो अगर आप बर्ड का स्केलेटन देखोगे, हर जगह फेदर नहीं होता, तो जिस जगह फेदर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टेरिले, ओके। जिस जगह नहीं होगा, एप्टेरिया। तो ये वाला जगह क्या है, ये है एप्टेरिया, APAPTERIA, टेरा मीन्स विंग्स, ओके। तो इसलिए एप्टेरिया मतलब नो फेदर्स। तो जिस जगह चिकन में फेदर्स नहीं होगा बर्ड में, उस रीजन को एप्टेरिया बोला जाता है, जिस जगह होगा उस रीजन को टेरिले बोला जाता है। इसलिए अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स को क्या बोलेंगे, टेरिलोसिस, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ फेदर इज कॉल्ड टेरिलोसिस। आ गया मजा कि नहीं, 3 नए शब्द सीख लिए। तो दीज आर द केसेस, एंड अलग अलग टाइप्स ऑफ फेदर होते हैं एक बर्ड में। इसकी जो लंबा फेदर है उसको फ्लाइंग फेदर्स बोलते हैं या क्विल्स। ये जो छोटे छोटे पूरा बाल जैसे होते हैं न्यू बॉर्न चिक्स में, उसको डाउन फेदर बोलते हैं, ओके। ये न्यू बॉर्न चिक्स में मिलेगा। ये कॉन्टूर फेदर्स है, मतलब ये शेपिंग करता है, ये बीच बीच में होगा। एंड ये फाइलोप्लूम है। तो ये जो क्विल है ये फिर दो तरह का होगा, एक विंग्स में मिलता है, उसको रिमैक्स बोलते हैं। ये सब लिख लो, ये सब आपको मैं इवन नोट में नहीं है, तो समझ रहे हो। तो विंग क्विल्स उसको क्या बोला जाता है, रिमैक्स, REMEX,
एंड टेल क्विल्स, उसको क्या बोला जाता है? रेक्ट्रिक्स, आर ई सी टी आर आई एक्स. समझ में आया? रिमैक्स एंड रेक्ट्रिक्स. ओके, तो टेल क्विल से क्या बनता है बोलो? शटल कॉर्क. तो जो आप शटल कॉर्क खेलते हैं वो आपका टेल क्विल से बनता है. देख रहे हो कितना सुंदर है? देखो ये, यह डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन. ये देखिए फेदर्स बन रहा है, ये मैमेलियन हेयर्स बन रहा है, उसी चीज से मैमरी ग्लैंड बन रहा है, उसी चीज से टीथ बन रहा है, उसी चीज से प्लैकोइड स्केल बन रहा है, कॉस्मोइड स्केल बन रहा है, गैनॉइड स्केल बन रहा है, उसी से क्टेनॉइड स्केल बन रहा है. देख रहे हो? तो जब आप अच्छा बुक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे अच्छे ज्ञान मिलेगा कि नहीं? चलिए, तो कालू पढ़ने से क्या मिलेगा? कछु नहीं. चलिए, ये सब मैं बैठ के कर रहा था और क्या. आप लोग को तो लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, बट अलग बात है, ये आपका अलग अलग टाइप ऑफ वर्टिब्रा है, यह तो अब आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे. ओके, चलो ये देखो, ये हेट्रोसिलस दिखा रहा है, तो इसका जो शेप है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा. बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोसिलस. उसको सैडल लाइक एंड्स बोला जाता है, बट सैडल समझना भी जरूरी है. अंडरस्टूड? चलिए, तो यह तो आपका अलग रेप्टाइल्स वाला आ गया. फाइन, तो अब हम लोग थोड़ा जनरल पॉइंट्स पे चलते हैं. इसलिए जिसको ये नोट मिलेगा ना वो तो खुश जरूर होना चाहिए. तो आप लोग तो मना कर रहे हैं, तन्मय मना कर रहा है, उसको नहीं चाहिए. चलिए अब आ जाइए डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. तो हक्सले ने क्या बोला था? जूलियन हक्सले, कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स. मतलब रेप्टाइल से ही बर्ड बने हैं. तो उसका एविडेंस क्या है? स्केल्स. देख रहे हो? तो आपके हाइंड लिम्स में स्केल्स हैं बर्ड के. क्लॉज, दे आर एविडेंस ऑफ व्हाट? दे आर एविडेंस ऑफ रेप्टाइल हेरिटेज. फोर चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल से मिला. ओके, इस तरह से फाइन बहुत सारा चीज उनको मिला. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स. तो पहले जो बर्ड्स थे उनके बीक में दांत था, इसलिए उनको क्या बोलते थे? ओडोंटोग्नेथ, टूथबर्ड. यस, बट अभी जो हैं वो टूथलेस बर्ड्स हैं. ओके, ये जो बूढ़ा अंगूठा है ये ऑपोजिट है, ताकि आपका ग्रैस्पिंग कर सके, उसको कहते हैं हेलक्स. ओके, तो हेलक्स इज ऑपोजिट. हमारा भी जो हेलक्स है, हमारा जो हैंड है फोर लिम, हमारा थंब अपोजिट है, थंब को पॉलेक्स बोलते हैं. उनका टो अपोजिट है, टो को हेलक्स बोलते हैं. फोर लिम मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स. कौन सा है मसल का नाम? पेक्टोरालिस मेजर. तो पेक्टोरालिस मेजर इज द मेन फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड. ठीक है, स्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन क्या है? फेदर्स मिलेंगे, स्केल मिलेगा, क्लॉज मिलेगा, बीक मिलेगा, ये सब एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है. न्यूमेटिक बोन्स मिलेगा एंडोस्केलेटन. ठीक है, स्किन इज ड्राई, मतलब उसमें जनरली ग्लैंड्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड या यूरोपाइजल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, वो प्रीनिंग में मदद करता है. ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो बोन्स आपका न्यूमेटिक है, ये तो हम जानते हैं. नाउ ओके, स्कल जो है वो मोनोकोंडाइलिक है. मोनोकोंडाइलिक का मतलब क्या है? एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल होगा, इसीलिए उसका जो सर है ऑलमोस्ट 270 डिग्री घूम सकेगा. ठीक है, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, बेस्ट ब्लड इन किंगडम एनिमेलिया. क्यों बोलो तो? उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी काउंट है. आरबीसी काउंट ज्यादा है, क्यों बोलो तो? एक तो ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, क्योंकि इनको फ्लाई करना होता है, उड़ने के लिए बहुत एटीपी चाहिए. अंडरस्टैंड?
तो अगर तो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कौन लाएगा? आरबीसी। बट गड़बड़ क्या है, इनके आरबीसी में तो सब है, वो नॉर्मल सेल है, मतलब हीमोग्लोबिन अमाउंट क्या होगा, कम ना ज्यादा? yes. कम होगा। तो काम करेगा ना नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो अब हम दो, वी हैव टू सॉल्यूशंस, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। क्या करेंगे? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। बड़े बेवकूफ हो, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ा दोगे तो ब्लड विस्कस हो जाएगा, ब्लड विस्कस होने से फ्लो नहीं करेगा। अरे आपका जैम फ्लो करेगा ना आपका स्क्वाश फ्लो करेगा? स्क्वाश समझ रहे हो? तो भैया विस्कोसिटी बढ़ाना तो गड़बड़ है रे बाबा, तो वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या भाई, 2 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड रख लो उनका, सर साइज ही बढ़ जाएगा, सेल भारी हो जाएगा। 2 किलो अगर ब्लड बढ़ा दोगे तो 2 किलो कम से कम बढ़ जाएगा, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो मजबूरन हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाइए, नंबर ऑफ आरबीसीज पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, फिर सर फ्लो नहीं करेगा भाई उसको। अगर हम लोग एक्टिव फ्लाइंग करेंगे तो कोई भी चीज फ्लो कर जाएगा, यू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी वेरी एक्टिव एनिमल्स, इसीलिए जब वो इतना जोर से मसल हिलाएंगे तो अपने आप ब्लड भी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? चलिए तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मसल में हम लोग मस्कुलर पंप डिस्कस करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस। तो फिर फ्लाइटलेस बर्ड्स का क्या? फ्लाइटलेस बर्ड्स में होगा, वो भारी होते हैं। आपका मालूम है व्हाट इज द वेट ऑफ वन ऑस्ट्रिच? ऑस्ट्रिच में भी अराउंड 70 to 80 to 100 kgs, 120 kg। हाँ तो वो 120 किलो का है, तो ऑब्वियसली तो समझ रहे हो कि नहीं, तो इसीलिए वो तो वो क्या करेगा, वो वॉल्यूम बढ़ा देगा। ओके तो लाइक दैट, उनका जो आईज में निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करेगा बोलो, वो जब उड़ते समय आंखों को बंद कर देगा ताकि कोई धूल वूल उसमें ना जा पाए। क्लियर? वर्टिब्रा हेट्रोसिलस है, स्टर्नम विद कील, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हार्ट इज 4 chambered, मतलब क्या, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल एंड ब्लड मिक्स नहीं करता। तो आप बोलोगे सर एट्रिया में हार्ट में तो मिक्स नहीं करेगा बट सिस्टमिक आओर्टा में मिक्स कर जाएगा? नो, सिस्टमिक आओर्टा में भी मिक्स नहीं करेगा। क्यों? बर्ड्स और मैमल्स में एक ही सिस्टमिक आओर्टा होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम बोलो, हाउ, तो इसलिए व्हाट इज द डिफरेंस बोलो, तो बर्ड में राइट के तरफ जाएगा इसलिए उसको राइट सिस्टमिक आओर्टा बोलते हैं, मैमल्स में लेफ्ट की तरफ जाएगा इसलिए उसको लेफ्ट सिस्टमिक आओर्टा बोलते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, अदर देन साइज the only difference in bird and mammalian heart is the systemic aorta. Birds have RSA whereas mammals have LSA. कोई शक? नो सर। नो सर। Now lungs have air sacs. तो air sacs 3-3 काम में मदद करते हैं, एक तो बयंसी देते हैं, एक temperature regulation करते हैं, एक double respiration करते हैं। ओके मतलब उसमें भी जो हवा होता है वो गैस एक्सचेंज में यूज होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आई डोंट थिंक वी विल रीड। ओके चलिए नेक्स्ट, बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक, मतलब अगेन व्हाई दे बिकेम यूरिकोटेलिक, क्योंकि आपको यूरिया फेंकने के लिए भी जितना पानी चाहिए उतना इसके पास नहीं होता है। अंडरस्टूड? सबसे टेंस सबसे टेंशन फ्री क्या होता है, एमोनोटेलिक, आप आराम से जैसे आए फेंक दो, क्योंकि अमोनिया जहर होता है,
आप उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं रख सकते, तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो जब आप अमोनिया फेंकोगे तो क्या होगा, आपको पानी चाहिए है कि नहीं? तो इसलिए अमोनिया फेंकने के लिए काफी पानी चाहिए। तो अगर उतना नहीं है तो आप यूरियोटेलिक बन जाइए, उसमें कम पानी चाहिए होता है एंड उसको कुछ देर हम रख भी सकते हैं। बट फिर बर्ड्स का उसमें भी टेंशन हो गया, क्यों? क्योंकि जितना पानी चाहिए उतना भी वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए भगवान ने बोला बेटा तुम सेमी सॉलिड यूरिक एसिड फेंको, कोई टेंशन ना से। ओके सो दिस इज द केस, हो गया। चलिए तो 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होंगे, तो 12 पेयर आपका रेप्टाइल बर्ड्स मैमल में होता है वो आप जानते ही हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में गिजार्ड एंड क्रॉप होगा, तो क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड करता है, गिजार्ड ग्राइंडिंग ऑफ फूड करेगा, ठीक है। अब एक्सटर्नली वो जो आपका क्लोआका होता है, मतलब डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी जेनाइटल ओपनिंग ओपन्स इनटू अ कॉमन ओपनिंग कॉल्ड क्लोआका, हो गया। एक ही फंक्शनल ओवरी है लेफ्ट, क्यों? वेट रिडक्शन में वो ओवरी को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। ओके, एग्स जो हैं क्लेडोइक हैं मतलब शेल्ड, एंड एमनियोटिक हैं मतलब एमनियन लेयर होगा। ओके चलिए, एंड जो उसमें योक ज्यादा होता है इसलिए एग्स आर मेगालेसिथल, ओके मतलब बहुत ज्यादा योक होगा, एंड टेलोलेसिथल मतलब अंडा का जो योक है वो एक तरफ शिफ्ट होगा। आप देखे हो कि नहीं, जब अंडा खाते हो आपका जो पीछे वाले साइड वन साइड वो बीच में नहीं होता है, योक वन साइड में होगा। ओके चलिए, तो इस तरह से आपके हैं। और क्या, तो दो तरह के बर्ड्स आएंगे आपके, फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं वो दो कैटेगरी में आ जाएंगे, कौन कौन से बोलिए? एक है टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल फ्लाइटलेस बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैटिटे या पैलियोग्नेथ, ओके। एंड दे आर व्हाट? एक्सोटिक ना एंडेमिक, बोलिए। एक्सोटिक मतलब इधर उधर भी मिल सकेगा, एंडेमिक का मतलब क्या है? ओनली इन ए पर्टिकुलर लैंड, तो इसलिए आपके ये बर्ड्स एंडेमिक, ओके इधर ये लोग फिक्स्ड होते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच कहाँ मिलेगा? सहारा डेजर्ट में। रिया कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिकन डेजर्ट्स में। कैसोवरी कहाँ मिलेगा? आपके ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में, ओके एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो दीज आर दी केसेस। लार्जेस्ट बर्ड कौन था? मोआ, दैट इज कॉल्ड डाइनॉर्निस। तो मोआ जो है, मोआ जो है वो लार्जेस्ट बर्ड है, एंड वो एक पूरा आम के पेड़ जैसा था। मतलब अगर वो मोआ तुम्हारे घर के पास होगा तो उसका जो बॉडी होगा जो वो आपका सेकंड या थर्ड फ्लोर में होगा, इतना लंबा होता है मोआ, ठीक है। एंड नाउ इट इज नो मोर देयर, इट इज एक्सटिंक्ट। यस, उसके बाद इनका वॉइस बॉक्स क्या होता है? उसको साइरिंग्स कहते हैं। हमारा वॉइस बॉक्स क्या है? लैरिंग्स। इनका बॉक्स क्या है? साइरिंग्स। तो ये सब क्लैडोजेनेसिस आप लोग को चाहिए नहीं। दिस इज फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड्स, उसको हम लोग इम्पेने बोलते हैं, एंड इसमें एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? पेंग्यून, पेंगुइन। तो पेंग्यून जो है वो इसमें आ जाएगा। एंड लास्ट है कैरिनेटी, जो मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स। ये देखिए, ये फोटो देखे मजा आ गया कि नहीं? ये देख रहे हो क्विल्स? यस। तो दीज आर एक्चुअली रिमेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंग क्विल्स। तो विंग क्विल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमेक्स। उसी तरह टेल क्विल्स, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिक्स, ठीक है। ये देख रहे हो लॉन्ग कील, ये और लंबा होगा नीचे तक, ये लॉन्ग कील है। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं फर्क्यूला, ओके दिस, ओके। तो फर्क्यूला अगर आपको मिल गया, सपोज आज आप चिकन खा रहे हो, संडे है, क्या मंडे, अगर आप चिकन खा रहे हो
आपको फर्कुला मिल गया तो भगवान से मांग लेना ये भगवान एम्स ददाति, एम्स ददाति माने मुझे एम्स दो, ठीक है जी। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बोन ऑफ मैरिथन, समझ रहे हो, तो इट इज कॉल्ड बोन ऑफ मैरिथन या विश बोन, ठीक है जी। तो इसलिए हर समय जब चिकन खाओ तो विश बोन जरूर ढूंढ लेना। सो ये आर्कियोप्टेरिक्स का फोटोग्राफ है कलर्ड वाला, एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक पैटर्न्स। ये आपके जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, एंसेस्ट्रल बर्ड्स, ओके। दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, दिस इज कॉडिप्टेरिक्स, एंड दिस इज कन्फ्यूसियोनिस, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मजा आया सर? आप हाँ बोलिए सर। मैमेलिया तक टेस्ट होगा ना, पूरा मैमेलिया तक? पूरा पूरा पूरा। ओ हमारा एक और क्लास है, हमारा थर्सडे क्लास होगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे मैमेलिया। फ्राइडे डिस्कशन होगा तो उसमें सब हो जाएगा क्या। और एनसीईआरटी मैमेलिया तो आप खुद भी घर में पढ़ सकते हो। चलिए और बोलिए। फाइन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए सर? 45। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 35 मिनट्स, ओके।